दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद, जनरल फिजिशियन। दोस्तों बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट करके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब जरा ये हम लोगों का मार्गदर्शन करें कि संभोग कब करना चाहिए, यानी सहवास संभोग, समझते हो ना, कब करना चाहिए। तो दोस्तों इस पे हो सकता हो आधुनिक मत अलग हो, प्राचीन हमारे जो भारतीय मत हैं वो अलग हों, मतों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से जो हमारे प्राचीन मत हैं वह सर्वश्रेष्ठ मत हैं। यानी संभोग कब करना चाहिए, संभोग, संभोग यानी दोनों की समान सहभागिता, वह भोग जिसमें दोनों की समान सहभागिता होनी चाहिए, समान रजामंदी होनी चाहिए, समान खुशियां होनी चाहिए, समान इच्छाएं होनी चाहिए, तभी ही संभोग हो सकता है, तभी संभोग का आनंद ले सकते हो। नहीं तो आपकी इच्छा है और आपके पार्टनर की इच्छा नहीं है तो संभोग मज़ा नहीं आएगा, आप उत्तेजित हो अगला उत्तेजित नहीं है तो संभोग मज़ा नहीं आएगा। यानी हो सकता है एक पार्टनर किसी कोई बीमारी से पीड़ित हो, आप प्रेशर बना रहे हो, उसकी इच्छा नहीं है, कोई तकलीफ है, कोई उसकी दैहिक तकलीफ है, कोई डिजीज है, आप प्रेशर बना रहे हो, तो वहाँ फिर संभोग में मज़ा नहीं आएगा। यानी दोनों की समान इच्छाएं हो, समान खुशियां हो, समान डिमांड हो, समान मांग हो, समान मतलब माकूल माहौल हो, तो ही संभोग करने में आनंद की प्राप्ति होती है। अब रही बात कि आपका जब सब कुछ समान है, यानी बराबर बराबर, वह एक ऐसा यह जवानी या खेल जिसमें दोनों की बराबर बराबर हिस्सेदारी होती है। अगर एक हिस्सेदारी ज़्यादा हुई कम हुई तभी मज़ा नहीं आएगा, आप समझ गए। अब रही बात कि दोनों की इच्छाएं समान है, तो मत कहता है कि आप अपने लाइफ पार्टनर को भिन्न भिन्न तरह के काम क्रियाओं से उत्तेजित करें, फोर प्ले करें, उसके बाद संभोग करना चाहिए, समझ गए। तो ये सारी बातों का आप ख्याल रखोगे तो आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगा, आपकी बीवी भी आपसे शिकायत नहीं करेगी, आपसे खुश रहेगी, आपको आदर की नज़रों से देखेगी, आपकी इज्जत भी करेगी। नहीं तो अगर कोई प्रेशर में है या कोई दबाव में हो या कोई दिक्कत हो, कोई तकलीफ हो, मान लो आप ही हो, आपकी बीवी कहे, तो क्या करोगे, आप करोगे नहीं करोगे। यदि आपकी इच्छा नहीं है या कोई दिक्कत तकलीफ, आपकी कोई दैहिक तकलीफ है, कोई बीमारी हो, कोई डिजीज, तो नहीं कर सकते। वही चीज़ उसके साथ ही हो सकती है, यानी दोनों की जिस इस काम में समान सहभागिता हो, समान इच्छाएं हो, तभी संभोग करना चाहिए, आप समझ गए। यदि आप लोग मेरा सलाह अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।